दोस्तों नमस्कार। फिलहाल मैं नानुंद में मौजूद हूं और रणजीत सिंह चौटाला का आज एक कार्यक्रम यहां नानुंद के अंदर। उससे पहले अगर आप मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए पुलिस प्रशासन और जो है फोर्स की टुकड़ियां यहां पर लगा दी गई, उस साइड की तस्वीरें दिखा दे भाई। और अभी जस्ट दो मिनट पहले यहाँ से एक वह गाड़ी गई है पूरी की पूरी, जो है किसान नेता जो यहाँ पहुंचे थे आराम से रोड के दूसरी साइड में बैठे थे, वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी यहाँ से उठा लिया गया है। और पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं, एक बार आइए आपको बातचीत करा देते हैं प्रशासन के द्वारा। लोकतंत्र के अंदर वो अपने शांतिपूर्वक अपने ऑफिस मारे थे तो उसका बहिष्कार कर रहे थे और कह रहे काले झंडे दिखाएंगे, जो कि सही नहीं है। लेकिन सर ये तो यहाँ बैठे थे आराम से? नहीं, ये रास्ता रोक रहे थे, इनको भी पहले साइड में भी कर दिया गया है, इन्होंने उल्लंघन किया। जी, आपने इनको समझाने की कोशिश की थी? बिल्कुल, इनको समझा रखा है, पहले भी इनको समझा दिया था, मैसेज दे दिया था इनको सारों को। जी, डीएसपी साहब यहाँ पे किसान हर रोज बैठते हैं, यहाँ पे ताश खेलते हैं और कह रहे थे कि हम भी यहाँ पे ताश ही खेल रहे थे। नहीं, ताश वालों को हमने कुछ कहा नहीं, जो अब भी बैठे हैं आपके सामने, जो ताश वाले बुजुर्ग बैठे हुए हैं आपके सामने हैं यहाँ पे, और जो कि ये जो लीडर हैं जिनको आप भी जानते हो, ये आए हुए थे। जी, प्रशासन कह रहा था कि हम आपकी बातचीत करवाएंगे, तो बातचीत क्यों नहीं करवाएगी? नहीं, बातचीत ये है कि बातचीत जब करवाते हैं, अगर ये शांतिपूर्वक यहाँ पे आते बातचीत करने के लिए, इनका शांतिपूर्वक रवैया नहीं था तो अब इनको डिटेन किया गया है। तमाम जो इनको भी डिटेन किया गया है, उसके बाद जैसे भी देखा, डीएसपी साहब ने कहा कि भाई डिटेन कर लिया गया इनको, और किसान जो है उड़दंगबाजी कर रहे थे, शांति प्रिय ढंग से नहीं आए थे। क्या उड़दंगबाजी सवाल यहाँ आ जाता है कि उनके पास कोई हथियार था, वो आसानी से आराम से यहाँ बैठे हुए थे। लेकिन डीएसपी साहब के बयान आपने सुने, उससे पहले जो किसानों को डिटेन कर लिया गया है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर फोर्स लगा दी गई है। ये फोर्स सिर्फ इस बात के लिए है, जो हिसार लोकसभा के प्रत्याशी, बीजेपी के जो प्रत्याशी है रणजीत सिंह चौटाला, उनका एक कार्यक्रम यहाँ था और उस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए यहाँ पर कुछ किसान साथी पहुंचे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो तस्वीरें हम आपको लगातार कंटिन्यू दिखा रहे हैं, तो चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा दे भाई एक बार। यहाँ वहाँ बैठे हुए थे और यहाँ पुलिस फोर्स और अगर सभी की बात करें तो वो यहाँ आए हुए हैं, तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो है पूरा मामला हुआ और कैसे किसानों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। जी नमस्कार। नमस्कार भाई, आज के रवैये को लेकर क्या कहना चाहोगे? पुलिस प्रशासन पहले बोल रहा था कि बातचीत कराएंगे। ऐसा है कि प्रशासन को ये शंका हुई कि ये किसान है, हो सकता है कि कोई गड़बड़ी कर दे। गड़बड़ी क्या, आपके पास कोई हथियार था? नहीं, हथियार तो नहीं था, इसलिए तो प्रशासन ने इस तरीके का ये व्यवहार करना थोड़ा ये उचित नहीं है। हर जगह अब किसान आराम से बातचीत करना चाहते थे और अपने सवाल पूछना चाहते थे। ना भाई, वीडियो का है किस तो आज कितने किसानों को यहाँ से डिटेन किया गया? लगभग 10-12 आदमी होंगे। अच्छा, क्या मतलब आप एक लोकतंत्र की बात करें, देखो चुनाव का माहौल है, जो नेता के कामों से अगर जनता संतुष्ट नहीं है तो उसका विरोध भी होगा, इस तरीके से जो रवैया प्रशासन जो सरकार कर रही है वो क्या है? जो गलत है। वैसे क्या कहना चाहोगे? राम राम भाई साहब, देखो मैं गाँव नाड़ा से हूँ, बीके यू नानुंद प्रधान हूँ, और आराम से बिल्कुल शांतिपूर्वक किसान सभी के सभी यहाँ पे बैठे थे। मतलब ये जो जैसे भी किसान गिरफ्तार किए हैं, पहले ऐसा गेम मतलब आतंकवादियों के साथ में खेला जाता था, आज किसानों के साथ में खेला, आराम से बैठे थे। बिल्कुल प्रशासन ने बिल्कुल अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए किसानों को बुरी तरह अरेस्ट किया है, कम से कम 20 के लगभग किसान हमारे बस में गए है, गिरफ्तार इन्होंने प्रशासन ने किया। मतलब इस सरकार ने हद पार कर दी गुंडागर्दी की, बिल्कुल आम आदमी का कोई जीना नहीं रहा इस तरह। तो भाई ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं भाई। भाई साहब यहाँ पर राम राम आपके चैनल में, यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला आते सब सारे शांति दे बैठे थे, अपना शांति दे पूछ रहे सवाल जवाब, भाई पंजाब वाले भाई साहब के गोली क्यों मारी, उसका के कोट था भाई, अपना सवाल जवाब मांगे थे भाई, अपना तुम रणजीत सिंह चौटाला आओ है मम सवाल जवाब मांगा है, मम तारा रोड को नहीं रखते, तुम्हारा रोड क्यों रोकता है, तेरा के मिला तू सा के है, तेने देवीलाल का तलंक ला दिया, देवीलाल का बेटा कौन तू, देवीलाल का कौन ही, देवीलाल तो एक देवता आदमी था, देवीलाल ने तो बुढ़ापा पेंशन मान दी थी, देवीलाल का तो इन तीन नामो निशान मिटा दिया। एसपी साहब ने भी बोला कि ये शांति से नहीं बैठे थे, उड़दंगबाजी कर रहे थे। यहाँ पर मैं देखता हूँ छोटा लग गया था यहाँ पर किसान यूनियन वाले में, जब तक लेके आऊंगा ताशे खेले, कोई किसी ने गाड़ी गुलोज नहीं ना काले झंडे दिखाने दे, हम रणजीत सिंह चौटाला से हाथ जोड़ के कहते हैं मारे सवाल जवाब दे दे, तू सवाल जवाब नहीं देंगे, सवाल जवाब देना चाहिए रणजीत सिंह चौटाला को।
तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इस जगह पे जो है किसान फिलहाल बैठे थे, यहाँ से किसानों को डिटेन किया गया है। इस बैठक में जो है ताश खेल रहे थे किसान और आराम से यहाँ बैठे थे। बहुत पुरानी बैठक है, यहाँ पर शुरू से जो है ताश खेले जाते हैं और किसान यहाँ बैठे थे, यहाँ से इनको डिटेन कर लिया गया है। फिलहाल की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, वो तस्वीरें आपको लगातार दिखाने लग रहे हैं। यहाँ से किसानों को डिटेन कर लिया गया है, पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट की टुकड़ी यहाँ पर मौके पर फिलहाल मौजूद है। यानी कहने का मतलब ये है कि रणजीत सिंह चौटाला आने से पहले यहाँ फॉरेस्ट को भेज दिया गया है। आगे की तस्वीरें क्या रहेगी वो भी आपको हम दिखाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।